गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्य टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो नो टाइम बाउंडेशन, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। एंड राशि में बता दूंगी इसके अंदर। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखो, देखती हूँ आज क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, अभी क्या हो रहा है, कैसे हालात हैं, क्या चीज़ें हैं जो मेरे को दिख रही हैं। तो पहले मैं आपके पर्सन की तरफ से ही कार्ड ले लेती हूँ, ओके। उसके बाद मैं आपके कार्ड्स लूँगी, दोनों की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ओके। यहाँ पर तो मेरे को एनर्जीज आ रही है जैसे कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपके पास लौट कर आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही है मेरे को, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कई दिनों से आपके बीच में और उनके बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही थी जिसकी वजह से आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी था आई थिंक इनके ऊपर, कंट्रोल भी था और स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा थे। बट यहाँ पर एनर्जीज़ के अंदर मुझे आपके पर्सन में ऐसी चेंजेस दिख रहे हैं, लाइक हो सकता है ये किसी सैजिटेरियस एनर्जीज में हो, एरीज में हो, लियो कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज में यहाँ पर मेरे को फायर साइन की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर लग रहा है मेरे को देखकर कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जिद आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा जिद है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर जिद्दी हो रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ये एनर्जीज मिल रही है। थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है जिस जो आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, एंड थर्ड पार्टी की वजह से शायद इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, एंड जो कमिटमेंट आपको दिया था वो कमिटमेंट भी इन्होंने छोड़ दिया था या तोड़ दिया था, और पूरा तरीके से थर्ड पार्टी की ही बात को इन्होंने सुना था और उसी की बात को समझा था। आई थिंक आपकी जो एनर्जीज, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एंड काफ़ी पुराना रिलेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में, बहुत पुराना रिलेशन भी हो सकता है। इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था एंड बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे ये आपके, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिलेशन तो था ही, लेकिन क्लोज बहुत थे ये आपके, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपको दूर कर दिया। थर्ड पार्टी जो है वो हो सकता है कि आपके दोनों के कॉमन फ्रेंड्स में भी हो सकती है, फ्रेंड्स में हो सकती है, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के रूप में, जो आई थिंक पहले तो आपके साथ ठीक था, प्रॉपर था, लेकिन बाद में उस थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। सोशल मीडिया के थ्रू आपको हो सकता है ये मिले हों, और एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा हुआ है ऑन ऑफ, लेकिन आपका रिलेशन ठीक हो गया था, बट अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इग्नोर बहुत कर रहे हैं ये आपको, और इग्नोर इतना ज़्यादा आपको कर रहे हैं जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये इस रिलेशन में कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको इसमें रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में ब्लॉक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, दरारें बहुत आ रही हैं, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू है जिसके पीछे कहीं ना कहीं झगड़े भी हुए, लेकिन ये जो पर्सन है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आप इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटा देंगे, अपनी लाइफ से निकाल देंगे, मूव ऑन कर जाएंगे थर्ड पार्टी से, और आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका यहाँ पर, मेरे को मैरिज में दिखाई दे रहे हो आप लोग कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अलग हो गए, या वह थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। मैरिज भी हो सकते हो आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो कि इन्होंने फैमिली की वजह से आपका साथ छोड़ दिया, फैमिली इशू या फिर फैमिली का कुछ बर्डन, कंट्रोलिंग एनर्जीज तो आ रही है, लेकिन ये पर्सन अब थर्ड पार्टी के फियर से नहीं डरने वाले, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। इनकी एनर्जीज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ज़िद्द दिखाई दे रही है, जैसे कि मतलब कसम खा ली है कि अब आपका साथ इनको पाना है। थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल कर रही थी उस कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी एनर्जीज है, जिसकी भी एनर्जीज़ है आई डोंट नो, बट मैं बोलूँगी कि आप बहुत लकी हैं जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का कंट्रोल, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल इतना था कि सालों पुराना रिलेशन आपका टूट गया था,
आपकी आपका जो रिलेशन था इनके साथ, आपने बहुत एफर्ट्स किए थे इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लव किया था, लेकिन वो चीज़ें आपकी पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हो गई, झगड़े बहुत हुए हैं। आई थिंक थर्ड पार्टी ने भी, हो सकता है अगर आपको जानती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लेम आपके ऊपर किए हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ ब्लेम किया है, रिश्ता तोड़ दिया। अभी थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो ही ख़त्म करने जा रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। ये सबसे बड़ी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अभी मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लव है आप दोनों के बीच में, जो कि साफ दिखाई दे रहा है, और ये लव के वजह से ही आपके पर्सन, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से ही आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं। अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ है थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशन को। बहुत सालों पुराना रिलेशन, बहुत टाइम पुराना रिलेशन है, लेकिन ये डर की वजह से थर्ड पार्टी के आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे थे। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मिन्नतें मांगी हैं ईश्वर से, कहीं ना कहीं वो मिन्नतें, वो चीज़ें वो पूरी हुई हैं, और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, एंड दिल टूट रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इस समय इनकी कमी आपको लग रही है, अपनी ज़िंदगी में इनकी कमी लग रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो मैं यहीं पर बोलूँगी कि जो आपका लव है वो जीत गया है, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हार चुकी है। सो पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है, पेड सर्विस है, और प्रॉपर तरीके से अपने नाम से और प्लेस से सारी पर्थ डिटेल से आपको अपनी करियर, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, फैमिली, फाइनेंस कुछ भी दिखाना है, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं मेरा दिया हुआ नंबर पर, एंड आपको एडवाइस ही मिल जाएगी एंड रीडिंग भी मिल जाएगी। पेड सर्विस है, एंड टेक केयर, बाय बाय।